प्रियंका गांधी के आशीर्वाद के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने बृजलाल खाबरी ने अपने शपथ समारोह से पहले बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए खाबरी ने कहा है कि यह सरकार हिंदू मुस्लिम और जुमलेबाजी की सरकार है। ये सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रही है और प्रदेश में विकास की योजनाओं पर कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी का जो एजेंडा है वो है केवल हिंदू मुस्लिम, और इस हिंदू मुस्लिम को करके जुमलेबाजी करके जो भोला भाला समाज है उसे अपने तरफ आकर्षित करने में अभी तक सफलता मिली है, लेकिन आगे ये हमें ऐसा लग रहा है कि काट की हाँड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार लोग भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी जानकारी में चीज़ें आ जाएंगी कि केवल जुमला है और आ चुकी हैं, तो आगे अब हमें नहीं लगता है कि वो उनके चक्कर में आएंगे। जैसे ही राहुल जी ने अपना यात्रा शुरू की, देश उनके पीछे चल पड़ा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय अब बहुत अच्छा होगा।